Assalamu alaikum dear students, welcome to Hawat Education Online. Today we are going to start book 3 poem. Poems ki hum book start karne ja rahe hain. Poem number 1 hum discuss karenge aaj ke is lecture ke andar, book 3 ki The Rain, written by William Davis. First we will discuss the translation, text translation, number 2 reference to the context, explanation, question answer from all past paper. Jitne bhi past paper ho chuke hain unke andar se jitne bhi question aaye wo discuss karenge. Synonyms and MCQs from the past paper. Okay, let's move toward the poet William Davis ke baare mein kuch baatein dekh lein. 1871 ke andar ye iski birth hai. Paddler ke taur par usne, as a beggar usne United States aur England ke andar wo usne kaam kiya hai, yani ki bahut gareeb tha aur usne poets was nature se bahut pyar karta tha. Iski sabse important baat thi aur isne taqreeban ye chalta kiske kinare tha, darya ke kinare mein, to nature se bahut isko pyar tha. उसने बड़ी पोएट्री के अंदर, उसने बड़ी गुरबत के अंदर, उसने बड़ी मुश्किलात को झेला है अपनी जिंदगी के अंदर. उसने सारी इन चीजों को, कुदरत को और अपनी गुरबत को, अपनी पोएट्री के अंदर उसने समा दिया है. 8 सितंबर 26 के अंदर उसने वफात पाई, 1940 के अंदर. आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने सुना पत्तों को पानी पीते हुए. आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनको पानी पीते हुए देखा. गिविंग द पुअर बनीथ, और नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको दे रहे हैं. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके. दिस स्वीट नाइस टू हियर, ये जो साउंड क्रिएट हो रही है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप गिरने की, ये बहुत अच्छी साउंड है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, इन ग्रीन पत्तों को मैंने करीब से पानी पीते हुए देखा है. अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें सिम्बोलिकली, तो इसका मतलब कुछ और तरह का होगा. मैंने पत्तों को पानी पीते हुए देखा, यानी कि मैंने दुनिया को देखा, मैंने लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, किन लोगों को देखा है कि वो जो आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने देखा है कि अमीर लोगों को दौलत मिलती है, अमीर लोगों को पैसे मिलते हैं, और वो अपनी जो दौलत है उसको किस तरह लोगों को देते हैं. गिविंग बनीथ द पुअर, और जो आम लोग हैं उनको किस तरह दौलत दे रहे होते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा करके तरसा कर, और इतनी दे रहे होते हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती. कहते कि ये तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि गरीब लोगों की मदद की जा रही है, अमीर लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनकी उस बेसिक नेसेसिटी भी इससे पूरी नहीं होती. और यहाँ पर जो रिच लीव्स का मतलब है, ये थिक लीव्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो ऊपर ज़्यादा पत्ते होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है. पुअर लीव्स हैं उनके बारे में है कि ये जो नीचे घने होते हैं, थिक लीव्स होते हैं, थोड़े क्वान्टिटी के अंदर होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट, एंड वेन द सन कम्स आउट, ये दूसरी सिचुएशन बता रहा है. पहले तो उसने सिचुएशन बता दी ना कि ये काम हो रहा है दुनिया के अंदर. एंड वेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकल आता है, आफ्टर द रेन, रेन के ख़त्म होने के बाद, यानी कि पत्ते हैं जो उनसे पानी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, पहले तो रोशनी नहीं होती है, जब सूरज निकलता है रोशनी भी आ जाती है और पत्ते भी चमकने लगते हैं, बारिश भी रुक जाती है. अ वंडरस लाइट विल फिल, और एक शानदार रोशनी होगी वो फिल कर देगी. ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर जो एक कतरा है, हर तारीकी कतरे को भी वो रोशन कर देगी. आई होप द सन शाइन्स ब्राइटली, मुझे उम्मीद है कि सूरज बहुत अच्छी तरह चमकेगा. इसका मतलब ये है कि सूरज जो सा, डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी, वो इक्वलिटी की इलामत है और जस्टिस की भी इलामत है. दोनों की एक इलामत है कि जब इंसाफ का बोलबाला होगा, जब सूरज निकलेगा, जब जुल्म का जो दौर है वो ख़त्म होगा, फिर क्या होगा कि बारिश ख़त्म होने के बाद या जुल्म के दौर के ख़त्म होने के बाद, हर एक जो चीज़ है, हर एक गरीब बंदा है, उसको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगी, वो सारे लोग खुशहाल होंगे, सारे फले फूलेंगे. मिडल मीनिंग के अलावा उनके बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि सूरज जब आएगा तो सिचुएशन बड़ी तब्दील हो जाती है, मंजर बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो तमाम जो मंजर है वो बड़ा हसीन दिखाई देता है. पौधे, इंसान, जानवर, हर चीज़ जो स्पेशली नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत प्यारी दिखाई देती हैं. नेक्स्ट, इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत दिलकश बड़ा हसीन मंजर होगा. अगर हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस डियर स्टूडेंट आपने कैसे लिखना है, रेफरेंस के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं आप, रेफरेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. आप सिंपल लिखते हैं कि रेफरेंस के अंदर कौन सी पोएम है और उसका राइटर कौन सा है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये आपने पैट लाइन, बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, दा लिख देते हैं, ई एस नहीं लिखते, या लाइन लिख देते हैं, एस नहीं लिखते, ये मिस्टेक आपने ध्यान रखना है. द रेन, पोइट जो पोएम का नाम है उसको अंडरलाइन कर लें, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख लें, या मार्कर से लिख लें. Inverted comma, you will put must, because this is necessary. Written by a very famous poet of nature. Very famous poet लिख दे, simple nature of nature ना भी लिखे problem नहीं है, लेकिन nature लिख दे बड़ी अच्छी बात है.
कि एक कुदरत के एक शायर ने लिखी है, डब्ल्यू एच डेविस ये उसका एग्जैक्ट नेम है जो सा, वो आपने उसी तरह लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा भी डालना है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्चुअली लिखनी वो चीज़ें होती हैं जो कि जो गिवन लाइंस हैं उनके ऊपर और नीचे जो चीज़ें रह जाती हैं या बैक से उसका कनेक्शन जोड़ना होता है तो वो लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी जो पोएम है उसके बारे में ओवरऑल व्यू आपने देना होता है। एक क्वेश्चन आप याद करते हैं, थीम का क्वेश्चन याद करते हैं, आप थीम को भी उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है जी। दिस पोएम इज अबाउट द रेन, सिंपल बात। द पोएम द रेन शोज लव ऑफ नेचर एंड इट्स अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन प्लांट्स एंड पीपल। देखिए कितने ब्यूटीफुली उसने सिंपल वर्ड में उसने सारी बात बता दी है। द रेन ड्रॉप्स क्रिएट म्यूजिकल साउंड, ओके। द पोइट होप्स, पोइट को उम्मीद है डैट आफ्टर द रेन द सन विल शाइन ब्राइटली एंड इट विल बी अ लवली साइट, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर होगा। तो इसमें पूरी सारी बातें आ गई और यही पोइट की क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर या थीम के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर भी आप इसको पुट कर सकते हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या करेंगे आप? आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसको लिख लें आप एक्सप्लेनेशंस को। ये लाइन आप हर एक एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बेहतर करने के लिए। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोइम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोइम, द पोइट कन्वेज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस, ओके। ये हर एक जो भी स्टेंजा आज उसमें आपने लिख देनी है। आपको पता है कि स्टेंजा जो रेफरेंस है उसका एक नंबर है, कॉन्टेक्स्ट के दो नंबर हैं और एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स। तो आपने ये मस्त लिखना है स्टार्ट में। देर आर मैनी मीनिंग्स ऑफ दीज लाइन्स, उनके बड़े मतलब हैं। वन इज सुपरफिशियल, एक तो जाहिर है, एंड द अदर इज हिडन, और दूसरा हिडन है। द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ी आसान लैंग्वेज है। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज, पोइट ये कहता है। ये आपने हर जो भी आपका स्टेंजा आज उसमें आपने लिख देनी है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी, जो फर्स्ट स्टैंजा था हमारा, आई हियर लीव्स, और यहाँ से ड्रिंकिंग नियर से यहाँ तक, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बड़ी अपने सिंपल वर्ड के अंदर इसकी पैराफ्रेज करनी है। जितना आप सिंपल लिखेंगे देर आर लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, और यही हमारा मकसद है कि मिस्टेक कम से कम हो। इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट ही इज हियरिंग द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स, वो सुन रहे हैं पत्ते बारिश के गिर रहे हैं नीचे, बारिश के नीचे पत्तों की, सॉरी, बारिश के कतरे हैं जो उनसे पत्तों के ऊपर गिर रहे हैं। द टिप टिप, दिस इज द पर्टिकुलर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों की फॉलिंग ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर पड़ रही है, एंड मेक अ स्वीट साउंड, और बड़ी अच्छी इसकी साउंड क्रिएट हो रही है। एंड द पोइट इज लिसनिंग दिस म्यूजिक, सिंपल, और वो सुन रहा है। द रिच लीव्स ऑन द टॉप फर्स्ट गेट द रेन वाटर, ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो पहले पानी लेते हैं, एंड देन दे पास इज द वाटर, और फिर वाटर को पास कर देना है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द लोअर लीव्स। दिस इज द सिंपलेस्ट पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, दिस थिंग इवन हैज अ सिंबॉलिक मैसेज दैट रिच पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द ब्लेसिंग ऑफ नेचर, कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए। स्टैंजा नंबर टू इसका देखें अगर हम, इन दिस स्टैंजा सेकंड जो सन वाला था, इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज, पोइट क्या कहता है, दैट सनलाइट इज अ वेरी लवली साइट ऑफ नेचर, कि सूरज की रोशनी है वो, उस जो रोशनी आती है वो भी एक बहुत हसीन मंजर है कुदरत का। ये बिलीव्स, वो यकीन रखता है दैट आफ्टर द रेन, रेन के बाद सन विल शाइन ब्राइटली, और वो सूरज बहुत अच्छी तरह चमकेगा, एंड ब्राइट इन ईच डार्क थिंग, और हर एक चीज को वो रोशन कर देगा। द पोइट हैज गुड होप, उसकी बड़ी अच्छी उम्मीद है। ही सीम्स टू बी अ लवर ऑफ नेचर, ऐसा लगता है वो नेचर से बहुत प्यार करता है। फुल स्टॉप, एच कैपिटल, ही गिव्स मैसेज ऑफ लव, वो मैसेज देता है लोगों को प्यार का, इक्वलिटी का एंड ब्रदरहुड का। स्टूडेंट्स ये हमारी इसकी ट्रांसलेशन थी, उसकी कॉन्टेक्स और रेफरेंस मैंने बता दिया और मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी है। आपने जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने मस्त, इसकी जो फर्स्ट लाइन मैंने बताई है वो आप हर एक में मस्त लिखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा, हाउ डज द रेन वाटर ड्रॉप ऑन पुअर लीव्स, के पुअर लीव्स के ऊपर बारिश के कतरे किस तरह गिरते हैं। द रेन फॉल ऑन पुअर लीव्स, बारिश के कतरे नीचे वाले पत्तों के ऊपर गिरते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा बाय कतरा। इट फर्स्ट फॉल ऑन द अपर लीव्स, पहली बात तो ये अपर लीव्स के ऊपर गिरते हैं, देन इट पासिस टू द पुअर लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। पुअर लीव्स यानी कि जो नीचे पत्ते होते हैं, बिनीथ होते हैं पत्ते ऊपर वालों के, उनकी बात हो रही है। वट डज द पोइट मीन बाय द पुअर लीव्स, पुअर लीव्स का मतलब क्या है? द पुअर लीव्स आर इन थिन, द पुअर लीव्स आर थिन, वो थोड़े होते हैं, दे आर लेस इन नंबर, उनके दांत भी कम होते हैं, कॉल्ड पुअर लीव्स, ज्यादा उनको पुअर लीव कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इसका दूसरा असल मतलब ये है, इट ऑल्सो मीन्स पुअर पीपल, गरीब लोग इसका मतलब है, हु डिपेंड ऑन रिच पीपल, जो कि
अमीर लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर भी जो नीचे वाले पत्थर हैं वो ऊपर वाले पत्तों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रेन। उसका थीम क्या है, ये हम थीम हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। द थीम ऑफ द पोएम द रेन इज लव ऑफ नेचर एंड इट्स अफेक्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ रेन ऑन प्लांट्स एंड द पीपल। और जो इसके जो असरात हैं पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर और इंसानों के ऊपर, वो क्या है। द रेन ड्रॉप्स क्रिएट अ म्यूजिकल साउंड। द पोइट होप्स दैट आफ्टर द रेन द सन विल शाइन ब्राइटली। उसका होप है, उम्मीद है उसकी कि सूरज चमकेगा बड़ी अच्छी तरह एंड इट विल बी अ लवली साइट, और उसके बाद भी बड़ा अच्छा मंजर होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन पुअर लीव्स। उसके गरीब जो पत्ते हैं, छोटे नीचे पत्ते हैं, उनके ऊपर क्या असरात होते हैं। द रेन डज नॉट ड्रॉप ऑन पुअर लीव्स डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं जाती, ये बोर्ड के पेपर में इसी तरह ही क्वेश्चन आया हुआ है। इट फर्स्ट फॉल ऑन अपर लीव्स, पहले ऊपर वाले पत्तों के, देन इट पासिस टू द पुअर लीव्स ड्रॉप बाई ड्रॉप। पुअर लीव्स ऑल्सो इंजॉय द रेन इफेक्ट। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आंसर ये वही रिपीट होगा जी। आपने एक लाइन इसमें ऐड करनी है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द पोइट कॉल द अपर लीव्स रिच लीव्स। ऊपर वाले लीव्स को रिच लीव क्यों कहता है, क्या रीजन है। द रिच लीव्स मीन्स द थिक ग्रोइंग लीव्स। वो ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो जो घने हैं वो ज्यादा तादाद में, इसलिए उनको अपर लीव कहा जाता है या रिच लीव कहा जाता है। एज अपर लीव्स आर देयर फॉर द पोइट कॉल द रिच लीव्स, कॉल देम रिच लीव्स। इसलिए पोइट जो उनसा ऊपर वाले पत्तों को रिच लीव कहते हैं। हाउ डज द पोइट फील व्हेन द ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स। क्या महसूस करता है वो जब पत्ता बारिश के कतरे उनके ऊपर गिरते हैं। द पोइट सेज दैट द नॉइस ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स इज वेरी स्वीट टू हियर एंड लवली टू हियर। बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत है उसकी आवाज़ को। हाउ डज द सन शाइन आफ्टर द रेन। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि उसके बाद सूरज कैसे चमकेगा, सूरज क्या सिचुएशन होगी आफ्टर द रेन। रेन के बाद द सन शाइन ब्राइटली, बड़ी जो आबोताब से चमकता है। इट मेक एवरी डार्क थिंग, और हर जो तारीख चीज़ होती है ब्राइट विथ इट्स लाइट, अपनी रोशनी के साथ हर चीज़ को वो मुनव्वर कर देता है। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। रेनी डे को हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन बार बार आता है। वी कैन से वी कैन इंजॉय रेनी डे बाय गोइंग आउटसाइड टू सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। कुदरत के लम्हात को देखने के लिए बाहर जा सकते हैं। वी कैन अरेंज अ पिकनिक पार्टी, हम अरेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंजॉय रेनी डे बाय टेकिंग बाथ इन रेन। रेन के अंदर हम नहा कर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। कि चूज द करेक्ट ऑप्शन मीनिंग ऑफ अंडरलाइन मीनिंग वर्ड्स। ये सिनोनिम्स आपने देखने हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड बनीथ द बो। बो किसको कहते हैं, लीव्स ब्रांचेस। यस आई होप द सन शाइन ब्राइट, ब्राइट बोल्ड क्लियर ब्रीफ हैप्पीली क्लियरली। इट विल बी अ लवली साइट, साइट मैटर स्पेक्टेकल, इशू सिचुएशन मंजर स्पेक्टेकल। The rich leaves give raindrop to the poor leaf beneath. Rich, thin, thick, low, wealthy, thick. Rich leaves give raindrops to the poor leaves beneath. Poor, thin, thick, low, wealthy, thin. The raindrop produce sweet noise. Sweet noise. इसका मीनिंग क्या है जी यहाँ पर? Melody, bad tunes, fruit, ugly. Noise, melody. Rich leaves give raindrop to the poor leaf beneath, beneath, before, behind, below, beside, below. After the rain, wondrous light will fill, shine, wondrous, shining, dim, murky, dusky, wondrous, shining. After the rain, the sun shall shine bright, bright, dark, murky, dim, no. Cloudless, bright का मतलब cloudless, बादलों के बगैर। After the rain, the sight would be lovely, ugly, clumsy, clean, beautiful, lovely, beautiful. Choose the correct option from the following. इसके आपने MCQs select करने हैं। Who is the poet of the poem The Rain? William Black, William Davis, Wordsworth, T.S. Eliot. William Wordsworth. No. William Davis. Yes. What does the poet hear in the poem The Rain? Drumbeat, creeping of word, roar of lion, rain falling on leaves. Yes. What is the meant by rich leaves? Leaves having money, lower leaves, thick leaves, rich people, thick leaves. What is meant by poor leaves in the poem? Poor people, thick leaves, thin leaves, beggars.
थिक लीव्स, सॉरी ये थिन लीव्स है, ये थिक ये था, रिच था ये थिन लीव्स, ये टेक्सुअल मीनिंग हमने देने यहाँ पर, वरना तो ये पुअर पीपल भी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन टेक्सुअल मीनिंग यहाँ पर हम देंगे। हाउ इज द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द लोअर लीव्स, नीचे वाले पत्तों के ऊपर कैसे गिरती है, इन टॉरेंट्स शॉवर इन प्लेंटी ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। यस, हाउ डज द नॉइज ऑफ द रेन साउंड टू द पोइट, पोइट को कैसी लगती है, स्वीट हार्श रफ कोट्स स्वीट। हाउ डज द लीव डैट ड्रिंक वाटर लुक, कैसे दिखाई देते हैं वो, ब्राउन येलो ग्रीन ड्राई, पत्ते कैसे पानी के बाद दिखाई देते होंगे, ग्रीन। हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर रेन, बारिश के बाद सूरज कैसे आता है, डिम ब्राइट रेड ब्राइट। हाउ डज द सन शाइन लुक आफ्टर रेन, डिम फीबल वॉन्डरस वॉन्डरस। हाउ वुड द सीन आफ्टर द रेन, कैसा होगा, अनअट्रैक्टिव डिम लवली बोरिंग, डिम अनअट्रैक्टिव नो लवली। हु इज वॉज ड्रिंकिंग रेन, मैन कैट अ ट्री लीव्स। यस, व्हाट एजुकेशन ऑनलाइन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन कमेंट अस इफ यू वी यू वॉन्ट टू गिव अस एनी सुजेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।